अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवरी मूवी एक्सप्लेन वेलकम्स यू इन अ न्यू एनिमे सीरीज एज द मून सो ब्यूटीफुल। इस एपिसोड में चिनात्सु अपने ऑलमोस्ट सभी स्कूल फ्रेंड्स को एम्यूजमेंट पार्क के लिए इनवाइट करती है। वो जानबूझ के हीरा को भी बुलाती है ताकि वो आकने को डेट करे और औजमी से अलग कर सके। पार्क में भी राइडिंग के टाइम वो खुद औजमी के साथ बैठती है और आकने को हीरा के साथ बैठा देती है। फिर वो सब एक शॉप पे जाते हैं जहां आकने के फ्रेंड उसे और हीरा को सेम कैप पहना देते हैं और उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, जिसे देख के औजमी को बेकार लगता है। पर तभी औजमी का फ्रेंड रोमन गायब हो जाता है। औजमी उसे ढूंढने जाता है तो उसे पता लगता है कि उसे चोट लगी है और वो स्टाफ रूम में है। वो वहाँ जाता है और उसका हाल चाल पूछता है, पर रोमन उसे बताता है कि उसे पता है कि वो और आकने एक दूसरे को डेट कर रही हैं। वो कहता है कि अगर तुम डेट कर रहे हो तो तुम्हें प्राइवेसी लेनी चाहिए, यहाँ बहुत सी प्राइवेट जगह हैं। इसीलिए वो आकने को कॉल करने वाला होता है, पर तभी उसे मैसेज से पता लगता है कि बाकी फ्रेंड्स ने आकने और हीरा को एक साथ अकेले घूमने भेज दिया। ये सुन के औजमी तुरंत आकने को ढूंढने जाता है और थोड़ी देर बाद वो आकने और हीरा को साथ देखता है, जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हीरा से कहता है कि दूर हो जाओ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और आकने का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। दूर खड़ी चिनात्सु ये सब देख लेती है और उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि काश औजमी मेरा हो जाए। उसके बाद हीरा अपने बाकी फ्रेंड के पास जाता है और उनसे कंफर्म करता है कि आकने और औजमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्या। रोमन उन सब को कहता है कि हाँ वो कर रहे हैं। उसके बाद आकने और औजमी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो खाते हैं और घूमते हैं, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक साथ बहुत मज़े करते हैं। और जब शाम होती है तो शाम को फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी भी देखने जाते हैं, जहां वो दोनों बहुत खुश लगते हैं। वो दोनों वहां ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट किस करने ही वाले होते हैं कि अचानक एक छोटी लड़की आके उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और वो वहीं पर रुक जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ बाकी लोग भी आतिशबाजी देखते हैं, पर चिनात्सु बहुत सैड थी और वो हीरा को सब बात बताती है कि उसने उसे सॉरी क्यों कहा, पर हीरा उसे माफ़ कर देता है। शाम को वो सब फिर एम्यूजमेंट पार्क से घर को लौट जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। उस एम्यूजमेंट पार्क के दिन के बाद से ही स्कूल के सभी लोगों को पता लगने लग जाता है कि आकने और औजमी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सभी उन्हीं के बारे में बातें करने लगते हैं और इधर आकने और औजमी भी रोज की तरह लाइब्रेरी में मिलने लगते हैं। वो दोनों वहाँ बातें करते हैं। फिर तभी औजमी को फ़ोन पे उसके दोस्त का मैसेज आता है जो उसको विलेज फेस्टिवल की प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। आकने कहती है कि वो भी आएगी और उसे परफॉर्म करता देखेगी। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं। उसके बाद औजमी प्रैक्टिस करता है और आकने उसे ध्यान से देखती है। प्रैक्टिस के बाद टेंपल के हेड औजमी को कुछ पैसा देते हैं ताकि वो आकने को फेस्टिवल में ले जा सके। शाम को आकने रेडी होके आती है। वो एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के आती है, जिसे देख के औजमी बहुत शौक और खुश हो जाता है। फिर दोनों फेस्टिवल में एंटर करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। वहाँ उन्हें वैसे ही टॉय भी दिखाई देते हैं जैसा आकने के पास पहले से एक था। सब चीज़ ठीक चल रहा था, पर जब आकने औजमी से उसका बर्थडे पूछती है तो उसे पता लगता है कि उसका बर्थडे तो कब का जा चुका है। वो चाहती थी कि वो उसका बर्थडे मिल के सेलिब्रेट करे, पर ऐसा नहीं हो पाया। फिर वो औजमी को एक मिनट में आई ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है और औजमी के लिए बर्थडे प्रेजेंट्स लेने चली जाती है। वो वैसा ही टॉय लेती है और उसे संभाल देती है। वो दोनों फिर आगे जाते हैं जहाँ वो दोनों फॉर्च्यून यानी विश मांगने की जगह पे रुकते हैं।
दोनों लकड़ी की टुकड़े पे अपनी अपनी विश लिखते हैं, पर एक दूसरे को बताते नहीं हैं। अब घर जाते टाइम आगने के पैर में लग जाती है, उसे चोट लग जाती है, जहां आज़मी खुद उसके पैर में बैंडेज लगाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। उसके बाद आकने आज़मी को उसका बर्थडे प्रेजेंट भी देती है, जिसे देख के आज़मी बहुत खुश होता है और उसे वो गिफ्ट पसंद भी आता है। फिर रास्ते में जब वो ब्रिज से घर को लौटते हैं तो आसपास कोई नहीं होता, और इसी चीज को सोच के वो दोनों वहाँ पे अपना फर्स्ट किस करते हैं। अगले दिन से ही फिर से वो सब स्कूल जाते हैं और आकने और आज़मी अब और भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप में अब प्यार और भी बढ़ने लग गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। इस एपिसोड से हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के सभी बच्चों के मिडिल स्कूल ख़त्म होने को हैं और सभी बच्चों को अपने लिए हाई स्कूल चूज करना है। आकने और आज़मी मिलते हैं, जहां आकने कहती है कि वो शायद अपनी बड़ी बहन के हाई स्कूल में ही जाए। इस पे आज़मी कहता है कि हम दोनों को एक ही हाई स्कूल में जाना चाहिए, पर ऐसा मुश्किल था क्योंकि आज़मी की ग्रेड्स आकने से कम थे, इसीलिए उसको उस हाई स्कूल में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब शाम होती है तो दोनों के घर में हाई स्कूल चूज करने की बात होती है। आकने के घर में पता चलता है कि उसके डैड का ट्रांसफर फिर से पुरानी जगह ही हो गया है, जो कि आकने के बहन के स्कूल के बहुत पास है। ये सुन के आकने को बेकार लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसफर होने के बाद वो शायद आज़मी से ना मिल पाए। और दूसरी तरफ आज़मी के घर पे भी उसकी मॉम उसको हाई स्कूल चूज करने को बोलती है। वो हमेशा चिंता में रहती है क्योंकि आज़मी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करता और ना ही उसने अभी तक कोई हाई स्कूल चूज किया है। अब नेक्स्ट डे आकने का रेस ट्रैक था, जहां वो रेस करने वाली थी, जहां आज़मी भी छुपकी से आकने को बिना बताए वहां उसका रेस देखने आ जाता है। आकने रेस में बहुत अच्छा करती है और एक पर्सनल रिकॉर्ड भी हिट कर देती है। रेस के बाद आज़मी आकने से मिले बिना ही वहां से चले जाता है। उसे जाता देख चिनात्सु देख लेती है, जो अभी भी उसको लाइक करती थी और उससे प्यार करती थी। शाम को आकने हीरा से बात करती है और बातों बातों में उसे बता देती है कि वो अपनी बहन के हाई स्कूल में जा रही है, जिस पे हीरा बोलता है कि तुम्हें रेस करना अच्छा लगता है, इसीलिए तुम्हें कोई वैसे ही स्कूल में जाना चाहिए जहां कंपटीशन हो, अच्छे इक्विपमेंट्स हो। और शाम को घर लौटते टाइम हीरा सभी को विलेज फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है, जिसमें आज़मी परफॉर्म करने वाला था। और फिर वो मेट्रो से अपने अपने घर को निकलने लगते हैं। मेट्रो में जाते टाइम चिनात्सु हीरा से पूछती है कि क्या तुम हार मान गए, तुम तो आकने को लाइक करते थे। इस पे हीरा कहता है कि शायद हाँ, क्योंकि आज तक मैंने आकने को अपने दिल की बात तक नहीं बताई, उससे कॉन्फेस ही नहीं किया। अब रात में जब आकने और आज़मी चैट करते हैं तो आज़मी उसे बताता है कि वो आज उसका रेस देखने के लिए ट्रैक पे आया था, और आकने भी उसे बताती है कि अब वो हाई स्कूल के लिए अपनी बहन के ही स्कूल जा रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।